यहां खुला, उसी तर्ज पर अब सबके स्वास्थ्य की जांच उन्हीं के घर पर करी जाएगी। हर महीने घर के सभी सदस्यों का कोलंबिया देश, जो भारत से बहुत ज्यादा पिछड़ा है अन्य मामलों में, पर स्वास्थ्य के मामले में विश्व में पहले 3 नंबर में गिना जाता है, कि सफल मॉडल को अपनाते हुए 1:2500 1:2500 की अनुपात में पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा परिवार के सभी सदस्यों का मासिक स्वास्थ्य चेकअप उनके घर पर ही करा जाएगा, जैसे ब्लड शुगर, ब्लड टेस्ट, हाइट, वेट इत्यादि, ताकि सही समय पर बीमारी का पता लगा के उसका उपचार किया जा सके। हमारे दल के चयनित अधीनस्थ वार्डों में आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो 5 लाख स्वास्थ्य बीमा की राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है, जिसे भूपेश सरकार ने प्रदेश में लागू नहीं होने दिया है, उसकी जगह बोला गया कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम लाया जाएगा। 7 महीने हो गए, ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम क्या है अभी तक उसका कोई हमें परिचय नहीं दिया गया है, इसलिए हम अपने वार्डों में कम से कम आयुष्मान भारत स्कीम लागू करेंगे। 7वां, सभी व्यवसायिक और गैर सरकारी निजी संस्थानों से प्रतिवर्ष कुल आय पर 1% सेस के रूप में लिया जाएगा, जिसका उपयोग वार्ड स्वास्थ्य समिति द्वारा संचालित ये जो वार्ड स्वास्थ्य केंद्र है के पैरामेडिकल स्टाफ के भुगतान के लिए विशुद्ध रूप से किया जाएगा। ये जो 1% का सेस है, इसी से हम ये कोलंबिया मॉडल अब को लागू करेंगे। 8वां, उपरोक्त पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा उनके अधीनस्थ परिवारों के वृद्ध एवं निशक्त जनों को राशन समेत आवश्यक दवाइयों को भी घर पर उनके पहुंचाई जाएगी। 9वां, सर्व सुविधा युक्त व्यायामशाला और डे केयर सेंटर भी हर वार्ड में खोला जाएगा। आजकल कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये व्यायामशाला डे केयर सेंटर के लिए भी, जो इन्फेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, और जो वृद्ध लोग हैं, उनके लिए उपयोग में लाए जाएंगे। और 11वां, ये जितने भी छत्तीसगढ़ से जुड़ी त्योहार हैं, जो परंपराएं हैं, जो उत्सव हैं, उनको मनाने के लिए वार्ड की तरफ से सभी स्रोतों को मिलाकर कुल हर वर्ष 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा इन त्योहारों को मनाने के लिए। 12वां, जैसे अंबिकापुर में किया गया था, सफाई निगरानी समिति बनाई जाएगी हर वार्ड में, और उसका संपूर्ण नियंत्रण सफाई कर्मचारियों पर रहेगा। अगर सफाई कर्मचारी निगम के ठीक से काम नहीं करते तो वो स्वतंत्र है कि वो सफाई के कामकाज को किसी और को भी देने का उसको अधिकार रहेगा।